बात करते हैं तुला राशि की। कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर 2024? सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। मैं हूं मानविंदर रावत। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि में आपके कैरियर की। कैरियर के घर पर राहु की दृष्टि है और कैरियर का जो लॉर्ड है वो भी कोई खास बलवान स्थिति में नहीं है, यानी कि ये महीना कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ही दिखाई पड़ता है। आपको मेहनत के, परिश्रम के अनुकूल फल कम मिल पाएंगे। जितना आप तपस्या करेंगे उसका 30% ही लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। कोई फाइल ट्रांसफ़र प्रमोशन से रिलेटेड लगानी है तो कोशिश करिए 17 अक्टूबर से पहले पहले ही, अदरवाइज फिर एक महीने आपको रुकना चाहिए। बात करना चाहूँगा आपके व्यक्तित्व व मान सम्मान की। फर्स्ट 12 डेज तो आपका बहुत अच्छा मान सम्मान रहेगा। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करूँ तो 16 अक्टूबर तक बोलूँगा, बट 17 अक्टूबर से खुद आपके मान सम्मान के घर में सूर्य नीच हो जाएंगे, जिसके कारण वो आपको परेशान करेंगे, आपके मान की हानि होगी। लोग बेवजह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उलझने की कोशिश करेंगे। आपके लिंक जो हैं वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएंगे, उनमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। यदि बात करी जाए आपके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की लॉर्डशिप सूर्य के पास है। वो खर्च के घर में चले गए, इट मींस कि वो प्रॉफिट के कंपैरेटिवली खर्चे ज़्यादा कराएंगे और 17 अक्टूबर के बाद आपके खर्चे ज़्यादा अधिक मात्रा में होने लगेंगे और आपके रिलेशनशिप में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और साथ में आपकी व्यापारिक लाइफ में भी, और आपके बड़े भाई बहनों से के दृष्टिकोण से भी आपके मन मुटाव बढ़ने लगेंगे। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, तो धन की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल भाग्य के घर में रहेगा फर्स्ट 19 डेज, तो पैसा देगा बट रुकावटों के साथ, क्योंकि वो भाग्य में भी शत्रु के घर है। परंतु थोड़ा सा आपको सपोर्ट यहाँ पर बुध का जरूर मिलेगा, तो आपको 10 तारीख से लेकर के और 16 तारीख के अंतराल में कुछ अच्छा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। बट 20 अक्टूबर से आपका फाइनेंस का लॉर्ड मंगल वो नीच का आपके कैरियर के घर पर होगा, तो आपकी जॉब जा सकती है, या अगर आप अग्नि संबंधित काम करते हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड गुड्स बनाते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। और मंगल के दान आपको 20 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से करने होंगे ताकि मंगल के शुभ रिजल्ट आप तक पहुंच पाएं। जैसे लाल मसूर की दाल 1.25 किलो, लाल पुष्प, लाल फल जैसे अनार हो गया, एप्पल हो गया, ऐसी चीज़ों का दान ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर करते रहिएगा। बात करना चाहूँगा अब आपसे आपके एजुकेशन की, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा एजुकेशन में, ऐसा आपकी राशि कहती है। और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियाँ निश्चित तौर पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन आपका बाधित होगा, ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं। 13 अक्टूबर को शुक्र थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा, ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि जो लोग फिल्म लाइन से, आर्ट से, एक्टिंग, कला, संगीत, फैशन से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी से, उन लोगों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, ये मैं कहूँगा। और साथ में 9 अक्टूबर से उन लोगों के लिए अच्छी है जो आईटी से, लेखन, अध्यापन, प्रकाशन और अभिनय से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो ये है आपका फल। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।